हर रोज 2 से 5 लगातार 6 महीने गेम खेली है, प्रिपरेशन चल तो रही है, तैयारी चल तो रही है, बट ये स्कोर क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा? मेरा स्कोर बना 110 से लेके 120 के बीच में। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था किसी भी एग्जाम का, ना मुझे चिड़ीपी आती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ले चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने DSSBPRT का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, क्या क्या एक एस्पायरेंट को डिफ़िकल्टीज आती हैं और उन्हें ओवरकम कैसे किया जाए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए बाय द टाइम। तो स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम हिमांशु सांगवान है, मेरी एज 22 ईयर्स ओल्ड है। मैंने 12th 2018 में कर ली थी और 2019 में मैंने CTET एग्ज़ाम दिया था ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में, वो हो गया था, क्लियर हो गया था। मतलब मैंने उसके लिए कोई सीरियस प्रेपरेशन नहीं करी, मैंने ऐसे ही भर दिया था और वो देने गया तो हो गया था। बट ये बात याद रखना कि मैं थोड़ा सा 12th में ठीक ठाक बच जाता, मतलब पढ़ने में सही था मैं, तो इसलिए मेरा हो गया था। उसके बाद 2021 के स्टार्टिंग में ही जैन में उसका एग्ज़ाम था एचटेट का जैन कर दिया मैंने, वो भी क्लियर हो गया था। उसमें भी 2-3 दिन की पढ़ा था, मतलब उसमें मैथ्स मुझ देख ली थी, ठीक है। अब आती है मेन बात, मेरा ना रीट का पेपर था 26 अप्रैल को। अब ये बात याद रखना, जनवरी 2021 जनवरी तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं था किसी भी एग्ज़ाम का, ना मुझे CDP आती थी, CDP तो मुझे आती ही नहीं थी ये मान के चलना जनवरी 2021 तक, सही है। अब मेरा एग्ज़ाम था 26 अप्रैल को रीट का, 26 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम था, जो कि शिफ्ट होके आगे हो गया था 24 जुलाई का हो गया था। अब जब DSSBPRT की वैकेंसी निकली, जो कि निकली थी 12 मई में निकली थी DSSBPRT की वैकेंसी, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, चाहे तो मैं प्रेपरेशन करूँ अपने रीट की, जो कि मेरी चल रही थी जनवरी से लेके अभी तक मीडियम तैयारी चल रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था वैकेंसी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30,000 थी तो आसानी से हो जाएगा, मैं टारगेट लेके चला था 120-123 का, तो वो उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट कर रखी थी, वो धीरे धीरे चल रही थी और मेरा स्कोर धीरे 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 बढ़ रहा था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, चाहे तो मैं रीट की तैयारी करूँ या फिर मैं करूँ DSSBPRT की, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी थी वो थी DSSBPRT की, और PRT के फॉर्म मई में निकले थे तो उसके 1 महीने बाद ही, मतलब मई जून में निकले थे और उसके 1 महीने बाद ही मेरा रीट का था, तो मैंने थोड़ी सी रीट की प्रिपरेशन स्लो कर दी, क्योंकि रीट और DSSBPRT का सिलेबस ना दोनों का बहुत ही अलग अलग है, टाइम फॉर्मेट अलग अलग है दोनों का, तो मैंने थोड़ा सा फोकस रीट से हटा के अपना DSSBPRT में डाल दिया। अब क्या हुआ, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा DSSBPRT का, यहाँ से मेन मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, जब मैंने फॉर्म भरा DSSBPRT का, उसी दिन मैंने उसका प्रीवियस ईयर 2019 वाला दे के देखा, मेरा स्कोर बना 110 से लेके 120 के बीच में, 110 से लेके 120 के बीच में स्कोर बन रहा था। अब मैंने क्या एनालाइज़ किया कि अभी फ़िलहाल मेरे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो मुझे बिल्कुल आते हैं, तो पार्ट ए में मुझे मैथ्स आता था और रीजनिंग आती थी, बस मैथ्स और रीजनिंग मुझे पूरे पूरे आते थे बस। अब बचा मेरे पे क्या क्या, अब मुझे एनालाइज होता जब आप टेस्ट देते ना, उसको एनालाइज़ करना कि उसको उसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन से वीक निकल रहे हैं, वही एनालाइजिंग होती है। अब मैंने जिस दिन टेस्ट दिया, मुझे पता लगा मेरा हिंदी मीडियम इंग्लिश वीक, GK वीक, CDP मैंने प्योर तुक्के चलाए थे, ऑलमोस्ट 40 से 50 नंबर बैठ रहे थे। अब क्योंकि मेरी तीन ही चार चीज़ें मेरी वीक थी, तो मुझे काम इन पे ही करना था मेन, तो मुझे मॉक देने से क्या पता लगा, मुझे प्रीवियस ईयर देने से ये पता लगा मेरी हिंदी पे काम करना है, इंग्लिश पे, CDP पे और GK पे, ये 4 मेन है जिन पे मुझे काम करना है, रीजनिंग और मैथ्स मेरे को आती थी। अब स्टार्ट होती है असली जर्नी की, असली प्रिपरेशन अब स्टार्ट होती है कि CDP 100 नंबर की और बाकी 20 के, तो 160 नंबर के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी, मेरी मैथ्स और रीजनिंग डन थी। देखिए पता है, जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करी DSSBPRT की, जून आया हिंदी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे पता था GK टाइम लेगी, GK ज़्यादा टाइम लेगी, तो GK मैंने छोड़ दी लास्ट के लिए कि यार लास्ट में देखूंगी, क्योंकि GK ना अगर मैं वही टाइम GK में देता और उतना ही सेम टाइम मैं हिंदी में देता, तो GK का सिलेबस वास्ट होने की वजह से उससे कम ही टाइम में मैं हिंदी कवर कर लूँगा, इसलिए मैंने फर्स्ट फोकस अपना हिंदी में डाला, जो कि मेरी मीडियम थी, तो हिंदी को मैंने जून से लेकर जुलाई और अगस्त के बीच तक हिंदी मेरी पूरी की पूरी कंफर्म हो गई थी, वो सब्जेक्ट मेरा हो चुका था, जिसमें कि अगर मुझे 20 क्वेश्चन मिलते तो मैं उसमें एटलीस्ट 17+ तो लेके आ रहा था, ये मेरा पॉइंट हो गया था हिंदी में। इंग्लिश मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था, धीरे धीरे इंग्लिश की तैयारी चल रही थी, और क्योंकि जब फॉर्म निकले जो जून मतलब मई जून में जो मैंने बताया उसके हिसाब से ना,
टाइम बस सितंबर का था, उस टाइम लग रहा था कि यार सितंबर में पेपर है, सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने थे पेपर हो गए, तो ये लग रहा था कि इन 2 महीनों में पेपर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से बीच में जो गैप था प्रिपरेशन का वो 3 से 4 महीने का गैप था। तो इसी को लेके मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कह रहा जिसको स्ट्रांग बना सकते हैं उसको बना लेते हैं। अब भाई CDP की बात, CDP का देखो मैंने बैच लिया था उधर से, क्या बोलते हैं, हिमांशी मैम से, पर जब मैंने अटेम्प्ट करके देखा, मैंने सिलेबस पूरा कर लिया था, क्योंकि मैंने ना जो बैच लिया था वो लिया था रीड से पहले का, तो मुझे लगा कि यार हाँ ये DTPSB PRT का ही बैच था उससे पहले भी, तो मैंने मुझे लगा यार इसमें कवर हो जाएगा। बट मैंने जिस दिन मॉक दिया ना, मुझे पता लगा जो कराया गया है वो तो आ ही नहीं रहा, जो कराया गया है वो तो सिर्फ CTET और KVS के लेवल तक है, DTPSB PRT के लेवल का नहीं है। सही है, इसमें कोई भी मैम को हिट नहीं है, मैम अच्छा पढ़ाती हैं, मैम CTET और KVS के लिए बेस्ट पढ़ाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस DTPSB के लिए थोड़ा सा मुझे इरेलेवेंट लगा कि वो जो आ रहा था वो तो पढ़ाया नहीं गया था, बस इतना बात है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, मैम अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। अब मुझे करनी थी NIS, मुझे पता लगा कि NIS ही करनी है, NIS से ही करना पड़ेगा। वो पता कैसे लगा, जब मैंने प्रीवियस ईयर दिए और वो क्वेश्चन मैंने हूबहू सर्च मारे, तो वो NIS की वेबसाइट के ना क्या बोलते हैं बुक्स खुल जा रही थी, तो मुझे आइडिया लग गया कि NIS से ही कराए जा रहे हैं। अब ये NIS से मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, अब मान लो मिड ऑफ जुलाई में पढ़नी स्टार्ट करी, और इस हिसाब से मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 2 से 2.5 महीने में NIS ख़त्म करनी, जो कि 10 किताबें थी, 10 किताबें इंपॉर्टेंट बॉक्स मैंने बता दिए, 502, 506, 507, बाकी सब्जेक्ट्स वाले, और लास्ट में 501 और 508, ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स थे। अब ऐसे ऐसे मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि अब स्टार्टिंग में है और क्योंकि मैं एक क्विक रिविजन मतलब क्विक देख रहा हूँ, तो उसमें फर्स्ट टाइम में तो जाएगा नहीं, बट हाँ ये था स्कोर इम्प्रूव हो रहा था, स्कोर धीरे धीरे जैसे पढ़ता जा रहा था मैं स्कोर इम्प्रूव हो रहा था, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस NIS से ही आ रहा था, तो स्कोर इम्प्रूव हो रहा था। एक ना टाइम पक्का आएगा प्रिपरेशन के बीच में जहां आपको लगेगा कि आपका स्कोर रुक गया है, आपका स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा, मेरे में भी आया था, वहाँ बहुत ही डीमोटिवेशन फील होती है, वहाँ ये लगता है यार प्रिपरेशन चल तो रही है, तैयारी चल तो रही है, बट ये स्कोर क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, स्कोर एक जगह आके रुक जाएगा, और वो ये नहीं है कि 2-3 दिन के लिए रुकेगा, वो फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुका रहेगा उसी पे, क्योंकि ना वो एक ब्रेक थ्रू होता है कि आपकी जो आपके नॉलेज है और आपने थोड़ी सी एक्वायर करी है और जो आपकी नई नॉलेज है ना उसमें ब्रेक थ्रू होता है, वो ना वहीं रुकता है। तो बीच में मुझे लगा यार ये स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा, तो उस टाइम डीमोटिवेशन आती है, सबको आती है, इसमें कोई भी आपको अबनॉर्मल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको आती है जब स्कोर रुकता है, और सबका रुकता है, ये बात आप लिख लो। अब उस स्कोर को काटने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है वैसे चलती रहने देनी है, वो स्कोर अपने आप ही एक दिन ऐसा आएगा जब प्रिपरेशन चलती रहेगी बेस्ड ऑन आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस, आपने कैसा परफॉर्म किया पिछले मॉक्स में, उसको इम्प्रूव करके आगे, तो वो रुका रहेगा, बट वो एक दिन ऐसा आएगा जब ये स्कोर, जैसे आपका मेरा स्कोर ना 135 पे रुक गया था, अब 135 पे रुकने पे क्या था, मैं वहाँ पे वो हो गया था कि यार नहीं अब तो स्कोर बढ़ेगा ही नहीं मेरा, और 135 मुझे लग रहा था नहीं बस ये पॉइंट है इससे आगे नहीं बढ़ेगा, पर टारगेट से मैंने ना 150 का लेके चला था, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी कम थी और वो थे क्या बोलते हैं जिस हिसाब से वैकेंसी कम थी और कंपटीशन था, उस हिसाब से ना टारगेट 150 का या 140 के आसपास का था, तो 135 पे रुक गया था स्कोर। अब इसमें क्या है, मैंने प्रिपरेशन चालू रखी, चलते रहने दो, पढ़ते रहो, फिर एक टाइम आया जहाँ पे स्कोर 135 पे नहीं, फिर सीधा अगला स्कोर मेरा 145 पे गया, क्योंकि जब आपने इस ब्रेक थ्रू पीरियड में जहाँ आपका स्कोर रुक गया था वो पढ़ाई ना, वो सारी की सारी अगले ही पेपर में जब अप्लाई होगी तो आपका स्कोर सीधा अप जाएगा, क्लियर बात। अब आ गया था सितंबर अक्टूबर आ गया था, अब ये हो गया था कि सितंबर अक्टूबर में ये हो गया था नहीं पेपर ना इस साल नहीं होंगे, पर हाँ होंगे अगले साल, ये हो गया था, तो थोड़ी सी तैयारी स्लो रखी मैंने। अब उस स्लो तैयारी में भी वही सेम चलता रहा, इंग्लिश थोड़ा ध्यान दिया, GK पे अब मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम है तो GK की कम से कम स्टैटिक तो पढ़ ही लेता हूँ, स्टैटिक पढ़ ली, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, जितनी भी हैं, ज्योग्राफी वगैरह जितनी आपको पता है वो सारी पढ़ ली, डांसेस वगैरह ये सारी पढ़ ली उस टाइम में, उस पीरियड ऑफ टाइम में। दिसंबर आने पे पता लगा कि एग्ज़ाम इस अगले साल भी नहीं, अगले साल के सितंबर में होंगे एक साथ, ठीक है, तो वो फिर लगा कि हाँ यार, पर मैं मुझे लगा चल एक बार ख़त्म करते हैं सिलेबस पूरा ख़त्म करते हैं। दिसंबर में आया, दिसंबर में मेरा ऑलमोस्ट मतलब 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मुझे लगा चल इंग्लिश भी कर ही लेते हैं, इंग्लिश के मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, टॉप 100 रूल्स किए,
वोकैबलरी कर ली जयदीप सर से, खत्म काम। जनवरी 15 जनवरी 14-15 जनवरी आ गई थी ऐसे करते करते, वहाँ मैंने बोल दिया हाँ मेरी तैयारी पूरी। अब मेरा वहाँ स्कोर बन रहा था 140-150 और 150+, 140 से कम नहीं बन रहा था फिर मेरा स्कोर। अभी देख रहे 120 से लेके 150 तक कैसे गए हैं, गए कैसे हैं, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको एनालाइज किया, किस किस पे काम करना है काम किया, CDP पे काम किया, हिंदी पे काम किया, इंग्लिश पे काम किया, GK पे काम किया, और धीरे धीरे स्कोर जहां 110 से लेके 150 तक गया, 40 मार्क्स का जो गैप आया है वो ऐसे ही है, जो आपके वीक सब्जेक्ट है ना उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना। और एक बात याद रख लेना, इसमें ना इन इस पीरियड ऑफ टाइम में मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम पढ़ाऊंगा तो 8 hours, और नहीं तो एन ऑन एवरेज 6 hours ही चल रहा था, बट ये कंसिस्टेंट था, ये नहीं है कि आज 6 घंटे पढ़ के अगले दिन ख़त्म, अब एक हफ्ते बाद ये नहीं, बट ये इस पीरियड ऑफ टाइम में जो ये था बिल्कुल कंसिस्टेंट था लगातार, इसमें ये नहीं आया कि यार एक अब पढ़ लिया आज तो एक हफ्ते बाद, अब आज पढ़ लिया एक हफ्ते बाद, ये कंसिस्टेंट रहा है। और इस कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ना आपको कोई अदर सोर्स ढूंढना पड़ेगा जो आपकी पढ़ाई का बोर्डम क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जैसे कि जब मैं पढ़ता था ना, मुझे मेरा एक टाइम था 2-5 बजे का, ये 3 घंटे का टाइम है, ये मेरा एज अ मान लो एक रेस्टिंग पीरियड है, या फिर कुछ भी मान लो जिसमें ना मैं फन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मूवी देख सकता हूँ, गेम खेल सकता हूँ, पर मैं इस पीरियड में 2-5 मैंने हर दिन गेम खेली है। ठीक है, तो आपका वो 2-5 वाला टाइम कुछ भी हो सकता है, बट वो आपको पढ़ाई से आपको रेस्ट मिलना चाहिए उस टाइम में। मैंने 2-5 हर इतने मैंने हर रोज़ 2-5 लगातार 6 महीने गेम खेली है, समझ गए। अब वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है कि आपके लिए सिर्फ गेम ही हो, आपके लिए मूवी हो सकती है, आपके लिए यूट्यूब पर कोई कंटेंट हो सकता है, आपके लिए सोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो आपको पढ़ाई से रेस्ट देना चाहिए। बात क्लियर होगी, 6 घंटे पढ़ना बहुत है, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। डीमोटिवेशन होगी बट हमें लगातार मेहनत करते रहना है और स्कोर अपने आप ही इंक्रीज होगा। मैंने बताया आपको कि 14-15 जनवरी तक मैंने बोल दिया था कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है। अब मैंने वहाँ पे एक टाइम स्ट्रेटजी बिठाई कि मुझे टाइम कैसे बिठाना है, और मैंने वो ना टाइम स्ट्रेटजी ऐसे बिठाई कि 120 मिनट का जो पेपर था जिसमें 200 क्वेश्चन, मीन्स एक क्वेश्चन का 1 मिनट से भी कम, वो टाइम स्ट्रेटजी मेरी ऐसी बैठ गई थी कि मेरे 20 मिनट बच रहे थे। 20 मिनट ऐसे नहीं, मतलब मेरे उस 20 मिनट मेरे हिसाब से बच रहे थे पूरे खाली, कि जिस 20 मिनट में 100 मिनट मैंने पेपर कर दिया पूरा का पूरा दम लगा के, और 20 मिनट मेरे पास खाली बच रहे थे, और वो मैंने यूटिलाइज किया पेपर में। वो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना टाइम बचाना है, सही है, अगर वो चीज़ तो बता देना कमेंट में। अब जनवरी में ख़त्म, फरवरी में 7 फरवरी के आसपास पता लगा कि अगले ही मार्च में पेपर है, फिर मुझे क्या, मेरी तो जनवरी तक तैयारी कंप्लीट थी, मैंने जनवरी के बाद फरवरी में ना थोड़ी आराम से एनएस पढ़नी चालू कर दी थी, बट जैसे ही पता लगा कि हाँ यार मार्च में पेपर है, ख़त्म, जो पढ़ा है सिर्फ उस पर फोकस, किस में, जब एग्ज़ाम आ जाए 1 महीने के आसपास, जो पढ़ा है सिर्फ उस पर फोकस, नया पढ़ोगे मार्क्स गवाओगे, जो पढ़ा है उसमें ही मार्क्स बढ़ाने हैं, उसी में स्ट्रॉन्ग करने हैं। ये बात फरवरी के बाद मार्च तक 1 महीना कुछ नहीं चला, जितना ही मैंने सारा पढ़ा था प्रीवियस ईयर, जितना पढ़ा था सारी प्रैक्टिस, ये नहीं कि वही लगातार, नहीं, मैं बता तो रहा हूँ 6 घंटे बहुत हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। उसमें भी मैंने गेम बंद नहीं करी, गेम चलती रही मेरी, ये मत समझना ना कि गेम मेरी बंद हो, गेम चलती रही, बट वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है ना। अब बच्चे उस पीरियड ऑफ टाइम में जो एग्ज़ाम के पास है वो डर जाएंगे, पर डरना नहीं है, अगर आपकी तैयारी कंसिस्टेंट है ना तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे। और जिस दिन पेपर था अगले दिन, उससे पहले दिन भी खेल के गया था NDMC का, और 30 का था उससे पिछले दिन भी खेल के गया था, समझ रहे हो। तो खेलने से कोई नहीं है कि यार आप खेल नहीं सकते या फिर आप टाइम पास नहीं कर सकते, बट आपका ना दिमाग पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए दूर रहना चाहिए ताकि आप रिलैक्स कर सको, क्लियर है बात। अब उस 1 महीने में मैंने बस रिवाइज किया, कुछ नहीं किया, आराम से पेपर दिया, पेपर देने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैंने मॉक्स कंसिस्टेंट दिए हैं, मॉक्स लगातार, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा अगर आप लगातार मॉक्स दोगे। मैं आराम से गया, पेपर दे के आया, जैसे घर पे देता था, बिल्कुल ना आप मानोगे नहीं, 1% का डर नहीं था उस टाइम मन में कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पता था मेरी में प्रिपरेशन ना मस्त वाली है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर वहाँ पे मैंने पेपर दिया आराम से, बस फिर यहाँ पे जर्नी होती है ख़त्म, और बाकी रिजल्ट तो आपको पता ही है मेरा आ चुका है ना।
तो ये देखो जी, ये ना थोड़ा सा लिखा था आप सबके लिए, क्या क्या इसमें बता सकता हूँ आपको, ठीक है। और मॉक अगर किसी को देना है ना, टेक्स्ट बुक का जो भी है, टेक्स्ट बुक का पास आता है वो ले सकते हैं, उसमें ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं प्लस एक्स्ट्रा मॉक्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारा काम दिया हुआ है, तो वहाँ पे उसका पास ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का, समझ गए। और अगर और कभी वीडियो की डिमांड हो ना तो कमेंट में बता देना। अब मैं आपकी हेल्प किस में कर सकता हूँ, मैथ्स में कर सकता हूँ, बट मैथ्स का ना मुझे प्रॉपर सेटअप मिल नहीं रहा है कि आपको पढ़ाऊँ कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल पढ़ाऊँ कैसे, क्योंकि लैपटॉप में पढ़ाऊँगा फिर वो माउस है, माउस में क्या होता है फिर वो राइटिंग आती नहीं है, और बोर्ड है बट उसके लिए भी फिर ना स्टैंड वगैरह का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है, क्लियर है बात। अब ये बात होगी मेरी साइड से क्लियर, अब जो आपको चाहिए वो कमेंट में बताना, और ये ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्या सीखने को मिला और क्या आपको करना है, ये बात आई समझ में, क्या आपको करना है इस पे ध्यान देना इस वीडियो में, और थोड़ा सा कनेक्ट करके चलोगे ना तो आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ हम क्या करने वाले हैं, मैंने एक नया आइडिया सोचा है, संडे को, सिर्फ संडे को हम किसी भी आप में से एक बच्चे का मॉक टेस्ट उठाएंगे, उसको मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा लाइव, एनालाइज करके दिखाऊंगा लाइव, समझ के। तो जैसे मैंने एक कोई भी नाम उठा लिया, तो जैसे रोहन है, रोहन का उठा लिया, तो रोहन का मैं मॉक टेस्ट टेस्ट बुक की आईडी पर, वो टेस्ट दिया ना टेस्ट बुक पे, उसकी आईडी खोल दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करें और कैसे आगे आपको इम्प्रूव करना है। तो ऐसे से हम सिर्फ और सिर्फ संडे को कर सकते हैं। और बताना अगर कोई भी अच्छा आइडिया जैसे भी आपकी हेल्प हो जाए वो बता देना कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियो बन जाएगी। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप्स हो कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपके लिए नई वीडियो के लिए मिलते हैं कल, तो ठीक है ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।